देखिए यहाँ पे चोटी के नीचे ही रहते हैं हम। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिमाचली यूट्यूबर बीना बुशहरी में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और हमारे ना अब सर्दी हो गई है तो धूप लेट आती है। और धूप कितने बजे आती है? 10:30, 11 बज गए हैं अभी तो। 10:30 से स्टार्ट होती है मतलब धूप आना हमारे घर में। तो इसी साइड, जिस साइड में बैठे इस साइड ही आती है धूप पहले, और उधर साइड को तो बहुत लेट आती है हमारी धूप। तो मैंने सोचा बैठे बैठे क्या करती हूँ, मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और पहले आज का यहाँ का ब्यूटीफुल सा वेदर दिखाती हूँ। बहुत प्यारा सा मौसम है आज, साफ सुथरा है एकदम से, कहीं भी दूरों दूरों तक मुझे बादल नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आज का वेदर शेयर कर लेती हूँ आपसे। तो ये देखिए आज का प्यारा सा मौसम और सूर्य देव देखो कितना प्यारा चमक रहा है ना। तो देखिए और नीला आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, और ये जो पेड़ दिखते हैं हमेशा सामने से बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव वाले जो ट्री है ये वाले, तो बहुत ही प्यारे दिखते हैं देखने में। और जो जब मैं इनको कैप्चर भी करती हूँ बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इन्हें कैप्चर कर। तो देखिए यहाँ ना हमारे यहाँ ना ऑटो भी आता है देखिए, और एक ही ऑटो यहाँ पे घूमता रहता है। तो देखिए फ्लावर की बात करूँ तो हाँ, एक ही फ्लावर अभी हमारे यहाँ टिका है, क्योंकि इस साइड ना हमारे बिल्कुल कम धूप आती है, देखो इतना ही आती है, बाकी नहीं आती है बिल्कुल धूप वगैरह। और फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर यही लगा है, बाकी देखिए यहाँ पे पतझड़ हो चुका है और आगे वाले जो फ्लावर है वो सूख चुके हैं, और इधर वाले कुछ कुछ का ये गेंदा जैसा फूल होता है ये वाला, एक ये वाइट वाला, और ये वाला भी सूख चुका है और हरियाली ख़त्म होने वाली है। थोड़ा यहाँ पे हरियाली इस वजह से रुकी है क्योंकि यहाँ पे ना धूप बिल्कुल कम आती है, इस वजह से देखिए हरा भरा दिख रहा है आपको मेरा ये इधर साइड वाला जो ग्राउंड है, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में ना। तो देखिए अब सूखा पड़ चुका है और जो फ्लावर वगैरह है वो भी सूख चुके हैं, एक आधा जो फ्लावर है वो ही है बाकी सूख चुके हैं। अच्छा भी लगता मुझे ये वाला मौसम, पर मुझे ना फ्लावर से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और मुझे फ्लावर वगैरह लगाना बहुत ही प्यारा लगता है। तो मुझे ना हरा भरा मतलब मेरे जो इस ग्राउंड में मुझे ना हरा भरा ही देखना पसंद है इसे। तो क्या करें, आजकल मौसम हो चुका है सूखा वाला और मेरे फ्लावर भी सूख चुके हैं, और जो मैंने फ्लावर पॉट में लगाए वो तो अभी चल रहे हैं अच्छे खासे, एक फ्लावर को छोड़ के। तो अब मैं ना आज मुझे लगता है मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, आज आराम से बैठी रहूँगी और पता नहीं जो भी होगा वो आप सभी से शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं टाइम की बात कर लूँ तो टाइम हो चुका है 12:30 हो चुके हैं और मुझे यहाँ बैठते बैठते हो चुका है पूरा 1.5 घंटा। तो मन नहीं कर रहा है खड़ी उठने का यहाँ से, पर उठना पड़ेगा क्योंकि लंच टाइम होने वाला है और भूख भी लग जाती है मुझे लंच टाइम में बहुत जल्दी, क्योंकि मुझसे ना भूख बर्दाश्त नहीं होती है। और साथ ही बताती हूँ मैं आप सभी को कि मेरा घर चोटी से कितनी दूरी पे है, मतलब मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना आप सभी को कितनी ठंड है, इतनी ठंड है, और क्यों ठंड है तभी ठंड है। मैं बताती हूँ आप सभी को कि कितनी दूरी में मेरा घर है चोटी से, और यहाँ पे सीधा पानी तो आता नहीं है, सीधा बर्फबारी हो जाती है। तो चलिए अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देखिए चोटी घर से बहुत मतलब थोड़ी सी दूरी में है चोटी, और यहाँ जैसे पड़ता है ऊपर को एक और गाँव। तो देखिए यहाँ पे चोटी के नीचे ही रहते हैं हम, देखिए चोटी और यहाँ पे ना औरों के घर है, तो यही है सामने ऊपर जैसे चोटी है और यहाँ जैसे घर है मेरा, तो चोटी के साथ ही रहते हम। हेलो फैमिली, तो अभी टाइम हो गया है 1:30 बज चुके हैं और
मैं लाइट दरवाजा बंद कर, लाइट तो नहीं करूंगी ऑन। डेट बज चुकी है और मुझे लग गई है भूख, तो मैं आ रही हूँ तो मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। मैं किचन में पहुंच चुकी हूँ और मुझे लग रही है भूख। अब पहले खाने का प्रबंध कर लेती हूँ और खा लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलूंगी। और बाहर अभी ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडी धूप पता नहीं क्यों लग गई। अभी तो पहले तो मज़ेदार वाली धूप लगी थी और अब ठंडी ठंडी धूप लग गई है, तो मैंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ खाना लेके और खाना खा लेती हूँ और ठंडी धूप लगी है। और पानी में आजकल ना मुझे हो गया आई थिंक से 1.5 महीने से भी अप हो चुके हैं। मैं गर्म पानी ही पीती हूँ तीनों टाइम, और कभी इमरजेंसी में पी लेती हूँ ठंडा पानी, बट ज़्यादा मैं गर्म पानी ही पी लेती हूँ। तो अभी मैंने गर्म करके लाया है पानी और मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलूँगी आप सभी से। देखो अभी भी ना ठंड ठंडी हवा चली है। तो लंच वगैरह मैंने कर दिया है, तो लंच करने के बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में जो मैंने खाना खाया है तो अब बर्तन धो लेती हूँ। अभी टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं, तो खाना उतना खा लिया था मैंने और बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। और उसके बाद मैं ना थोड़ा सा रूम की सेटिंग करने के लिए, रूम की सेटिंग की और फिर मैं सीधा आई बैठने धूप में। तो अभी बैठी मैं धूप में और मुझे ना धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, खास करके इधर साइड से। तो मैंने टावल लेके रखा है सर के ऊपर से, और धूप अभी बड़ी प्यारी लगी है। पहले तो ठंडी ठंडी हवा चली थी बट मस्त मज़े आ रहे हैं धूप में। तो मैं ना धूप सेक सेक के भी हो चुकी हूँ बोर। कभी मैं रूम के अंदर जाती हूँ, फिर मैं बाहर निकलती हूँ, रूम में ठंड लगती है, बाहर धूप ज़्यादा लगती है और धूप से सर घूम रहा है। तो मेरा ना अंदर बाहर का ही लगा है अभी। और टाइम की बात कर दूँ, टाइम हो गए हैं 3:30 हो गए हैं और अभी 3:30 बजे फिर से चल पड़ी है ठंडी ठंडी हवाएं। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहा, सिर्फ सोई नहीं मैं, मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। अगर मैं सोती हूँ ना तो फिर मुझे सोने के लिए 2-3 घंटे तो चाहिए ही चाहिए होते, नहीं तो मेरा ना सर घूम जाता है। और फिर नींद आ रही थी, बहुत ही नींद आ रही थी, भयंकर वाली। चेयर पे बैठती हुई बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। तो मैंने सोचा इधर उधर टहलती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं रूम गई, फिर मैं बाहर आई, रूम में ठंड लग रही है और हीटर तो क्या ही जलाना दिन को। तो फिर अभी मैं इधर उधर चली हूँ नींद भगाने के चक्कर में, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है भाई। हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। तो टाइम की बात करूँ तो टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं और मैंने यहाँ पे खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ाया है क्योंकि मैंने लगाना है दाल पे तड़का। और बाकी बता दूँ मैंने अभी क्या क्या काम किया, तो मैं आप सभी से डायरेक्टली मिल रही हूँ 3:30 बजे से, अभी जो 7 बज चुके हैं तो अभी जाके मिल रही हूँ मैं आप सभी से। तो चलिए बता देती हूँ मैं, मैंने खाने में बनाया है तो इसमें बनाए हैं मैंने चावल और साथ ही इसमें है चपातियाँ, क्योंकि हम मिक्स खाते हैं शाम को मतलब। तो इसके बाद चपातियाँ भी मैंने बना दी है और यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ाया है क्योंकि यहाँ पे मैंने दाल लगाई है राजमा की, तो मैं राजमा की दाल में तड़का लगाऊंगी। और
अभी ना इससे स्टीम नहीं निकली है, तो मैंने सोचा है सरसों का तेल उतने में गर्म हो जाएगा। तो देखिए ये जो मिर्च है ये मैंने अभी भुननी है। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे स्टॉप।